बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। और ये जी आज मैंने लिया साग, सर्दियों की जो हास सुगात होती है, सर्दी तो इतनी हास अभी शुरू नहीं हुई लेकिन साग आ गया जी। सुबह सुबह ही जी बाहर आवाज़ आ गई मैंने साग वाले दी, तो मैं क्या चलो जी साग ले लिया, अच्छा साग ही बना लिया। लेकिन साग काटदे बहुत टाइम लगता, तकरीबन मैंने 2 घंटे वही लग गए साग काटदे, कि इंसान थक जाता साग पकाना होए तो बहुत मुश्किल है। तो ऐ जी मैं साग धोनी हाँ भाई, साग में खुले पानी से धोवो तो फिर ही अंदरों रेत रूत निकलती है। गैस जी हड़ी आँदी नहीं, जो कोई भी 1-2 घंटे ले देंगे ने, तो ज़्यादा सिलेंडर ही यूज़ करना पैंदा है। खैर जी साग तो मैंने धो लिया और उसको मैंने डाला प्रेशर में और प्रेशर लगा दिया, और प्रेशर लगाने के बाद दोपहर को मैं बड़ी बिज़ी हो गई, मैंने वीडियो नहीं बनाई। ये जी नेक्स्ट डे है और ये सुबह सुबह का टाइम है, अबू बकर को मैं नाश्ता देने लगी थी। अबू बकर जी तैयार होकर बैठा सी, तो मैं क्या जल्दी जल्दी मैं नाश्ता दे दाँ। ए वेखो जी मैं दही नू जाग लाई दी सी, तो दही बड़ा ही प्यारा जमियादा सी, तो सुबह सुबह बच्चे दही खा लेंगे ने। अबू बकर को जी साग बहुत ज़्यादा पसंद है और उसको चाहे नाश्ते में भी दो, दोपहर में भी दो, रात को भी दो, तो वो खा लेगा खुश होकर। तो खैर मैंने उसे नाश्ता दिया और ख़ुद भी नाश्ता किया, और मैंने कहा चलो साथ में मशीन लगा लेती हूँ, क्योंकि जितनी देर में मेरे कपड़े वॉश होंगे उतनी देर में मेरी हेल्पर भी आ जाएगी। और आज सारे मैंने ब्लैंकेट धोने थे, और ये जी अबू बकर स्कूल जा रहा है अभी। ए जी जिनी देर तक मैं चीज़ा वगैरह उठाइया ना, सीधियाँ पदियाँ कीतिया ने, बेडशीटा सीधियाँ कीतिया ने, उन्नी देर तक मेरे ब्लैंकेट भी धुल गए ने। 2 मैं पहले धोते, 2 दोबारा धोते ने, तो हूँ इन्हों मैं उपर छत पा के आवँगी कि सुक जाएंगे। है ना वीडियो बड़ी मेहनत न बन दी जाए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो में लाइक तो सबसक्राइब लाजमी कर दिया करो, क्योंकि जो व्यूज़ नहीं ना आते तो फिर दिल नहीं करता कि बंदा वीडियो बनाए, लेकिन हिम्मत नहीं ना हारनी चाहिए, कोशिश करदा रहना चाहिए बार बार, इंशाल्लाह एक ना एक दिन असं भी कामयाब होवोंगे। खैर ये जी मैंने मेथी दाना इधर लगाया था और मेथी मेरी निकल आई हुई थी, और ये देखें जी पुदीना भी थोड़ा थोड़ा निकल आया, मैंने पुदीना भी कुछ दिन पहले लगाया था और ये मेथी भी। अब मैं कह रही हूँ कि मैं धनिया भी लगाऊँगी किसी गमले में। और इधर जी मेरी हेल्पर आ गई और वो साथ साथ काम कर रही थी और साथ साथ बातें भी करती जा रही थी। तो खैर यही था आज का मेरा ये छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।